आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो स्टूडेंट, प्रश्न है, सतत प्रावस्था जो पूरे तंत्र में परिक्षिप्त प्रावस्था निर्मित करती है का उदाहरण है, तो क्या कहने का मतलब है? तो पूरे तंत्र में, तंत्र का मतलब कोलाइडिविलियन, पूरे कोलाइडिविलियन में परिक्षिप्त प्रावस्था जो है, यानी कि एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं जो विलेय के जैसा है, वो पूरे तंत्र में क्या होता है, बराबर हो, एक जैसा हो, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सतत प्रावस्था। तो क्या दूध में जल या जल में दूध डालने पर वो एक जैसा पूरा रहता है विलयन, जैसा ऊपर हो वैसा ही नीचे हो? तो बिल्कुल हाँ, ऐसा होता है। यानी कि पहला ही विकल्प हम लोगों का क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यह एक सतत कंडीशन यानी कि सतत प्रावस्था के रूप में परिक्षिप्त प्रावस्था निर्मित करती है, ठीक है। दूसरा हम लोगों को बोला गया है, देखिए दूध में वसा, तो वसा क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं दूध के किनारे आ जाता है धीरे धीरे, ठीक है, एक जैसा पूरा नहीं लगा रहता है विलयन में, एक जैसा नहीं घुला रहता है, ठीक है, तो इस वजह से ये गलत हो जाएगा। तीसरा बोला गया हम लोगों को, कोहरे में जल की बूंदें, तो ये भी एक जगह इकट्ठा हो रहता है, ऐसा नहीं है कि पूरा बराबर रहेगा, है ना। चौथा बोला गया जल में तेल, तो हम लोगों को पता है ये भी पूरी तरीके से सतत नहीं होगा, जल अलग हो जाता है और तेल अलग हो जाता है, तो इस वजह से ये भी गलत है। तो केवल दूध में जल जो है वो सतत रूप में परिक्षिप्त प्रावस्था निर्मित करती है पूरे तंत्र में, ठीक है, और इसी वजह से हम लोगों का उत्तर क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा पहला विकल्प, ठीक है। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12 से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।